लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। मिस्टर रंधावा, तुम जैसे गली के गुंडों ने ना मोदी जी की तरफ से टेढ़ी नजर से भी देखा तो आंखें निकाल लेंगे, समझते क्या हो अपने आप को। जयपुर सर डोंग से निकलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं जा सकते जुनेद और नसीर के घर को। कभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं, असद ओवैसी टोंक जा रहे हैं। राजस्थान में 9 महीने बाद विधानसभा इलेक्शन होने हैं और अभी से राजनीतिक गलियारों में काफी गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। सारे राजनीतिक कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं, हर पार्टी अपनी अपोजिशन पार्टीज पर भड़ास निकाल रही है। चाहे वो राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत्म करने की बात हो। सुखजिंदर सिंह रंधावा के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर का पलटवार हो और AIMIM और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस और बीजेपी पर हल्ला बोल हो। बहरहाल कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान में चुनाव 9 महीने बाद होने हैं, लेकिन वार और पलटवार अभी से शुरू हो गए हैं। खैर, राजस्थान में सत्ता के लिए 1993 से 2018 तक मुख्य संघर्ष कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहा है। हालांकि इस बार ऐसा होने की संभावना कम नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस भाजपा की राह में चार दूसरे दल मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, AIMIM, आम आदमी पार्टी, BTP और RLP। इन चार पार्टियों के अपने अपने वोट बैंक हैं और खास इलाके भी हैं। चार साल पहले बनी RLP हाल में भाजपा और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। RLP की बुनियादी ताकत जाट वोट बैंक है। पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद हैं, वो लगातार 3 बार विधायक भी रहे हैं। बेनीवाल ने मीडिया को बताया कि पार्टी राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल RLP के पास 3 विधायक और एक सांसद सहित 100 से ज्यादा पंचायत समिति सदस्य हैं। 4 सीटों पर प्रधान जीते हुए हैं, 2 सीटों पर नगरपालिका चेयरमैन है। RLP ने 1 सीट के लिए 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन किया था, हालांकि यह गठबंधन अब टूट चुका है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा या कांग्रेस जल्द ही RLP के साथ गठबंधन कर सकते हैं। बीते 4 सालों में हुए 9 उपचुनाव में RLP ने औसतन 30,000 से 35,000 वोट हासिल किए हैं। ऐसे में 9 महीने बाद होने वाले विधानसभा और 13 महीना बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के सामने प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक पर RLP की भी तगड़ी दावेदारी दिखेगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से सतीश पूनिया और कांग्रेस से गोविंद डोटासरा भी इसी समुदाय से बना रखे हैं। देश भर में मुस्लिमों, दलितों और कमजोरों के अधिकारों को लेकर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में तेजी से एक्टिव हो चुके हैं। भरतपुर में नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर भाजपा कांग्रेस को घेरा है। ओवैसी ने हरियाणा में मारे गए राजस्थान के मुस्लिम युवकों के परिजनों को मुनासिब सरकारी मदद नहीं देने के लिए CM अशोक गहलोत को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि जब उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर का कत्ल हुआ तो 50 लाख रुपए का मुआवजा और उसके 2 बच्चों को सरकारी नौकरी दी गई है, लेकिन भरतपुर के नासिर और जुनेद की हत्या हुई तो 15 लाख रुपए मुआवजा ही दिया गया है। गहलोत ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि CM को बड़े वोट बैंक का डर सता रहा है। अगर कन्हैयालाल को 50 लाख रुपए दिए गए हैं तो जितेंद्र मेघवाल को भी 50 लाख दिए जाने चाहिए थे। अगर कन्हैया लाल को 50 लाख दिए गए थे तो जुनेद और नसीर को भी 50 लाख मिलने चाहिए। इंसान इंसान होता है। कुछ दिन पहले टोंक में रैली कर डिप्टी CM सचिन पायलट को गुज्जर बहुल सीट से चुनाव लड़ने की सलाह दे दी। कहा कि पायलट का ख्वाब पूरा नहीं होगा, उन्हें टोंक छोड़कर दौसा या सवाईमाधोपुर से चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि टोंक में AIMIM चुनाव लड़ेगी। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी जोधपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मोहल्ले में जाकर लोगों से मिलकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम यहां किसी को हराने नहीं आए हैं बल्कि जीतने आए हैं। ओवैसी के बयान का पायलट ने जवाब देते हुए कहा है कि 4 साल बीत गए हैं, ओवैसी को टोंक की याद नहीं आई, अब चुनाव आए हैं तो उन्हें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक सब याद आ रहे हैं।
राजस्थान में कुल 200 सीटों में से 35 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। इनमें से 22-23 सीटों पर बीते तीन दहाइयों में हुए पांच चुनाव में 1998, 2003, 2008, 2013 और 2018 में मुस्लिम विधायक इलेक्शन जीतते रहे हैं। पुष्कर डीडवाना और धौलपुर से तो भाजपा के टिकट पर भी मुस्लिम विधायक जीते थे। फिलहाल ओवैसी इन सीटों पर ध्यान लगा रहे हैं। केजरीवाल और ओवैसी क्या कर सकते हैं, इसकी मिसाल 3 महीने पहले हुए गुजरात इलेक्शन में मिल गई है। वहां सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर थे और रघु शर्मा प्रभारी थे। भाजपा को वहां अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली है। आम आदमी पार्टी को वहां 5 सीटें मिली और इन 5 सीटों के आधार पर उसे राष्ट्रीय पार्टी बनने की मान्यता भी चुनाव आयोग ने दे दी। इलेक्शन के दौरान रघु शर्मा ने लिखकर दावा किया था कि आम आदमी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। कांग्रेस की चुनाव में बुरी तरह हार होने के बाद गहलोत और रघु दोनों ने बयान दिए थे कि गुजरात में कांग्रेस की हार का कारण आम आदमी पार्टी रही है। 13 मार्च को राजधानी जयपुर में सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान ने ताकत दिखाई। जयपुर में सांगानेरी गेट से अजमेरी गेट तक तिरंगा यात्रा निकाली। अजमेरी गेट पर हुई जनसभा में केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर साठगांठ के आरोप लगा दिए। कहा कि मैंने सुना है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की अच्छी दोस्ती है। उन्होंने कहा, गहलोत पर जब आंच आती है तो वसुंधरा ने पूरी पार्टी उनके लिए खड़ी कर दी। ऐसे ही जब बीजेपी वसुंधरा राजे पर कार्रवाई कर रही थी तो गहलोत ने कांग्रेस उनके लिए खड़ी कर दी। केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस बीजेपी में सेटिंग है, चुनाव में एक दूसरे पर घोटाले के आरोप लगाते हैं, चुनाव बाद एक आदमी पर भी कार्रवाई नहीं करते, लेकिन हमारी सेटिंग जनता से है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी विनय मिश्रा भी लगातार जयपुर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में प्रदेश के सभी 7 संभागों में पार्टी की मीटिंग की थी। विनय मिश्रा ने मीडिया को बताया कि अभी पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में नहीं है, लेकिन जल्द ही हर जिले हर ब्लॉक में संगठन के लोग होंगे। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी राज्य पंजाब और दिल्ली में हमारी पार्टी की सरकार होने का असर निश्चित ही अगले चुनाव में राजस्थान पर पड़ेगा। राजस्थान के लोग दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की फ्री बिजली और स्कूल अस्पताल को विकसित करने की योजनाओं से भली भांति परिचित है। हाल में ही हमने गुजरात में बेहतर प्रदर्शन किया और 5 सीटें जीती, जिसके चलते हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए।